अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली क्या हाल है कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह पाक आप सबको अपने जमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज और आज का व्लॉग सुबह सुबह ही मैंने स्टार्ट कर ली क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हैं और तबीर फातिमा जो है वो भी सो रही है तो मैंने सोचा अभी से मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और जब ये तबीर उठ जाती है तो फिर ये भी शोर करती है और वीडियो या कोई काम नहीं करने देती कोई भी हो वीडियो बनानी हो या कुछ घर का काम करना तो ये बहुत ज़्यादा तंग करती है क्योंकि ये अकेली रह जाती है जब सब स्कूल चले जाते हैं या इनके बाबा काम पे चले जाते हैं ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती है तो आज मैंने सोचा अभी से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ और माशाला से पहले से तबीयत की तबीयत भी थोड़ी बेहतर है तो इसलिए वो आज सॉरी वरना ये इस टाइम जाग रही होती है तो अभी जो है आज के ब्लॉग है आप लोगों ने कंप्लीट करना है और मेरी चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी लाजमी करना है अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ तो आज का ब्लॉग जो है अभी से स्टार्ट करते हैं अच्छा जी कराची में न बारिश हो रही है और हमारे कमरे में भी यहाँ पर इंटर हो रही है बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर खिड़की से तो वैसे नज़र तो नहीं आ रहा यहां से देखें मेरे हाथों पे ही आएगी जो भी होगी ओहे तो जी हाथ मेरे धुल गए हैं बारिश से बहुत तेज हो रही है अच्छा तो ये वीडियो जो थी ये कल रात की थी कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी हमारे यहाँ तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे गली में चले गए और मैं यहाँ से ऊपर से इनको देख रही थी तो मैंने कहा चलो देखू क्या कर रहे हैं ये लोग तो ये देखिए इनके काम ये बारिश में नहा नहारें इधर मुझे बोल के गए कि हम लोग वहाँ से गली से देखेंगे बस वापस आ जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये नहा रहे हैं और ये अक्सर ऐसे ही करते हैं बारिश में नहाते हैं भले सर्दी हो या गर्मी हो तो मुझे गर्मी में तो पसंद है इस मौसम में तो नहीं पसंद तो जी अभी मैं चाय पीने लगी हूँ और सुबह सुबह जब बचे गए तो मैंने कहा चाय पहले पी लूँ उसके बाद बाकी काम करूँगी और चाय तो बहुत ज़रूरी होती है इस मौसम में अच्छा जी मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन में मैंने लगानी है मशीन कपड़े वॉश करने और वजी जो है ये भी मेरे साथ साथ घूमता रहता है जिधर मैं जाऊँ तो ये भी साथ आ गया था और मैंने कहा चूल्हा चेक करती हूँ गैस आ रही तो पानी जो है वो मैं गर्म करके डालती हूँ ताकि जो कपड़े होते हैं बच्चों के वो अच्छे से साफ हो जाएं इनके यूनिफॉर्म भी थोड़े गंदे थे और दूसरे कपड़े भी बहुत सारे जमा हुए पड़े थे इनके यूनिफॉर्म तो मैं डेली जैसे दूसरे दिन हाथ पे धो लेती हूँ और जब ज़्यादा जमा हो जाते हैं कपड़े दूसरे तो फिर मैं मशीन में ही धोती हूँ तो अभी ये आए हैं स्कूल से और इनको मैंने बोला कि यूनिफॉर्म उतार के मुझे दे दो जल्दी से मैं वॉश कर लूँ और पानी जो है वो गर्म करके इसलिए डालती हूँ कि भाई जल्दी से एक तो साफ़ अच्छे से हो जाते हैं मिट्टी वगैरह और स्मेल भी नहीं आती कपड़ों से जो भी होता है तो साफ अच्छे से हो जाते हैं यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जेल और ये जेल जो है ये ब्लीच का काम करती है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी झाग भी बहुत अच्छे से मतलब अच्छी बनती है तो इस झाग में थोड़ा सा मैं वैसे फिर साथ में वो भी डालती हूँ कि सरफ़ उससे भी कपड़े साफ हो जाते हैं तो यहाँ पे वजी जो है वो मुझे बहुत तंग कर रहा था और बोलते कि मैंने सर्फ डाला है मैंने पानी डाला है और कपड़े भी मैंने ही डालने मैंने कहा चलो आ, मैं सर्फ तो मैं डाल रही हूँ आपको बोलती हूँ कपड़े डालना अपने यूनिफॉर्म और सबसे पहले साफ़ कपड़े मैंने डाले और सब कपड़े मतलब जो है वजी डाल रहा था अच्छा जी तो मैं अब बना रही हूँ कहवा कहवा जो है ये अदरक और थोड़ी सी इलायची एक इलायची और थोड़ी सी चुटकी एक जो है सौफ़ की और एक चुटकी जो है वो पत्ती की है और एक ये साशे जो है जो शांदा तो इसका कहवा बहुत अच्छा बनता है अगर आपको ज़ुकाम है या बच्चों को जुकाम है या खांसी है या गला ख़राब है तो ये वाला कहवा आप बच्चों को पिलाइएगा बहुत अच्छा बनता है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है जब ये चीज़ें सारी थोड़ी सी बॉयल आ जाए तो जो शांदा जो है वो थोड़ी सी देर मतलब बाद में डालना और इसको अच्छे से जोश डिलवा के बस नीचे उतार लेना और ये मेरा जो है कहवा वो तैयार हो चुका है और मैंने कपड़े वगैरह धोए थे ठंड भी लग रही थी तो ताबीर को भी फ्लू था तो मैंने कहा चलो जल यही कहवा बनाती हूँ और बच्चों को भी पिला लूँगी और ये मैंने देखें यहाँ पे बना ली और हल्का सा इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और बच्चों को भी मतलब पसंद आता है जो कहवा जो मैं बनाती हूँ अक्सर बना लेती हूँ तो ये जो है हमारी एक पड़ोसन थी उसने मुझे बताया था तो मैं जब से बनाती हूँ ये मुझे बहुत पसंद आया और वो अक्सर जब उनके घर जाती थी तो वो बच्चों को बना के देती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मैंने भी स्टार्ट किया हुआ आज कल और ये मैंने थोड़ा सा शहद मिलाया है और चीनी मैंने नहीं डाली थी और बहुत अच्छा बनता है सभी क्या लिख रहे हो सभी होमवर्क कर रहे हैं अपना रहे। तो सभी जो है वो सेंटेंस लिख रहे हैं अच्छा एप्पल आपने क्या लिखना है तो ये होमवर्क दिख रहा है अभी मैंने इनको जो क्या वगैरह पिलाया था और जैसे उनको वो बोला था मुझे भी फीडर में दो तबीर तो वैसे ही फीडर में पीती है तो ये दोनों ऐसे ही सो गए नीचे इनको वैसे मैंने कहा चलो ये दूध नहीं पी रहे थे मैंने कहा ऐसे अभी ये सोएंगे नहीं लेकिन ये सो गए हैं और ऐसे फर्श पे सो गए हैं लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है हल्की सी हवा तो ऐसे खिड़की सी आती है लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है क्योंकि कराची में इतनी ठंड नहीं होती बाहर फिर भी हल्की सी हवा चल रही थी लेकिन घरों में तो बस इतना वो नहीं है कि तब सर्द कभी कभी होती है ठंड ज़्यादा कभी नहीं तो ये दोनों इधर ही सो गए और सभी को मैंने कहा चलो पहले मैं इसको पढ़ा लेती हूँ फिर जब वो उठेगा फिर उस पर तोज्जो दूंगी फिर ये अपना काम करके फारिक हो जाएगा तो ये सभी जो है ये लिख रहे सभी अच्छा अच्छा लिखना अच्छा माए फेवरेट फ्रूट ये इसको मिटाओ माए फेवरेट इसको मिटाओ ये एप्पल को भी मिटा दो अभी इतने थोड़ी स्पेस ज़्यादा देनी चाहिए ना थोड़ा अच्छा भी लग आप ऐसे लग रहा है बिल्कुल साथ साथ ये फ्रूट के स्पेलिंग सही लिखे हैं आपने आप खुद चेक कुछ कर लो, ओ। नहीं।, नहीं हाँ तभी तो बोल रही थी ना रीड करके लिखना चलिए मैं इनको ये स्टडी करवा लेती इसने अभी ये पहले होमवर्क लिखा था तो अभी इनके एग्जाम भी होने वाले हैं रमज़ान से पहले पहले इनके ना एग्ज़ाम हो जाएंगे और फिर रमज़ान में इनकी जो न्यू क्लासेज हैं वो भी शुरू हो जाएंगी बस तो जल्दी जल्दी ये इनका अभी रिविजन हो रहा है फिर टेस्ट वगैरह पहले भी हो चुके हैं अब फिर से वो डेली मतलब जो टेस्ट भी हो जाता है इनका और स्टडी भी मतलब अच्छी जा रही है फिलहाल तो क्योंकि पहले इनका बहुत वो हो गया था लॉस मतलब एक महीना पूरा इनका जो स्टडी का था ना पंजाब चले गए थे छुट्टियों में तो उसके बाद फिर ये बीमार हो गए अभी तक मतलब अब थोड़ा बेटर फिर से शुरू हो रहा है क्योंकि जो इन्होंने तैयार किया था बच्चे ना वो बस अगर इनको रीड ना करवाओ तो ये भूल जाते हैं एक स्पेलिंग बताना पी हम ल हम ए हम आर नहीं 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 वाई हां जल्दी से अच्छा, अच्छा बच्चा बन के लिखा कर यार मैथ में एक दिन राइटिंग अच्छी की थी तो अच्छी चीज़ लिखोगे ना तो फिर स्टार भी मिलेगा और टीचर भी खुश होगी फिर बोलेगी टीचर स्टार सभी होनी चाहिए क्यों नहीं चाहिए अच्छा नहीं लगता गुड अच्छा लगता लो जी ये क्या बात है अच्छा तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ बेर इनके बाबा जो है अभी आए थे काम से और वो बेर लेके आए हैं आज तो मैंने कहा चलो बच्चों को धो के देती हूँ पंजाब के बेर तो वैसे बहुत ज़्यादा पस मुझे पसंद हैं लेकिन ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में और देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे थे तो मैंने कहा चलो इनको जल्दी से मैं धो लेती हूँ और बच्चों को देती हूँ सभी और वजी जो है वजी तो अभी सो रहे हैं और सभी जो है अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं मैच और तबीर जो है वो भी मेरे साथ साथ चल रही है तो ये देखें यहाँ पर ये जो है वो वजी सो रहे हैं और इनके बाबा जो है सभी के साथ मैच खेल रहे हैं आंगो क्यों चिपक गई हो जी और जो आपके लिए सरप्राइज है से ही करवाओ आपके लिए सरप्राइज है उठो 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 ये देखो ये क्या है ब्यूटीफुल ये क्या ये भी, फ्रूट, भी होता क्या? फ्रूट होता है अच्छा फ्रूट होता है ये होता है बेर पापा को नजर ही नहीं आ रही गेंद इतनी देर गेंद करवा रहा ये भंसा है होता है बेर इधर देखो तो वीरू यमी 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 यमी, यमी। कैसे हैं अच्छे सभी, सभी आपको पसंद आया वेजी के लिए बाबा लिया वेजी के लिए वेजी, वेजी अच्छे हैं अरे तो मेरे बेटा सुस्त सुस्त क्यों है क्या हुआ अभी नींद से जागा है ना तो आज रात का खाना जो है वो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे थे दाल माश बनाओ और दाल माश मैंने नहीं बनाई थी तो साथ में फिर तंदूर की रोटी और दाल माश ये बहुत शौक से खाते हैं फिर इनके बाबा को मैंने बोला था रोटी ले आना और दाल माश भी ले आना तो इनकी रोटियाँ बहुत बड़ी होती हैं तो फिर हमने दो रोटियाँ मंगवाईं और दाल माश बहुत मज़े की थी अच्छा जी जैसे ही खाने से फारिग हुए बच्चे जो हैं वो नीचे चले गए और फिर मैं रह गई तो मैंने कहा चलो मैं कोई ड्रामा देख लेती हूँ तो जैसे मैंने टी वी लगाई और फिर मुझे याद आया कि मैंने मूँग रखी हुई तो फिर मैंने कहा चलो मैं मूँगफली भी साथ में खा लेती हूँ और ड्रामा भी देख लेती हूँ बच्चे जो हैं शाम को जब खाना वगैरह खा लेते थोड़ी देर बाहर जाते हैं गली में वैसे मैं उनको नहीं भेजती लेकिन जब उनके बाबा आते हैं वो ही ले जाते हैं तो वो थोड़ी देर खेल के आएंगे और साथ में फिर कोई चीज़ वगैरह भी लेके आएंगे। अच्छा जी किस किस को मूंगफली पसंद है वो भी बताइएगा और मूंगफली बहुत ज़्यादा महंगी है क्योंकि ये बारह सौ रुपये किलो है हज़ार और बारह सौ किलो तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अच्छी वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़